तथा एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर होने वाले मानवों की पारस्परिक कटुता का मृत्यु निनाद सिद्ध हो। साथियों, हमारा प्रदेश उपलब्धियों, गौरव और मनमोहक विविधताओं का प्रदेश है। आइए अब हम सुनते हैं अपना मध्य प्रदेश गान। का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है, हृदय देश का यह मैं इसका मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता मेरा मध्य प्रदेश है, सबका दाता सबका साथी सबका ये संदेश है, बाकी गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। अमृत घट छलका मिला कृष्ण को ज्ञान, यहाँ महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान, यहाँ शिप्रा में अमृत घट छलका मिला कृष्ण को ज्ञान, यहाँ महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान, यहाँ उर्वर भूमि सघन वन रत्न संपदा कहा अशेष है, हर सौरभ सुषमा से वर्णित मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। चंबल की कल कल से गुंजित कथा दान बलिदान की, खजुराहो में कथा कला की चित्रकूट में राम की, चंबल की कल कल से गुंजित कथा दान बलिदान की, खजुराहो में कथा कला की चित्रकूट में राम की। बैठ का आदि कला का पत्थर पर अभिषेक है, अमृत कुंड अमर कंटक में ऐसा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। नर्मदा का जल जिसके पास है, यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। विंध्याचल साभार नर्मदा का जल जिसके पास है, यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है, हृदय देश का यह मैं इसका मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी,
सबका ये संदेश है, माता गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। हमारे देश में 12 जनवरी एक महत्वपूर्ण तारीख है। इस दिन हम अपनी योग परंपरा के वैश्विक पुरोधा स्वामी विवेकानंद का स्मरण करते हैं और प्रदेशवासी सूर्य नमस्कार को योग पर्व जैसा मनाते हैं। इस महत्वपूर्ण अवसर पर आइए सुनते हैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संदेश। नमस्कार, सामूहिक सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम में शामिल सभी विद्यार्थियों, शिक्षक गणों, शासकीय सेवकों, सभी सम्मानित प्रतिनिधियों और नागरिकों का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी ने भारतीय दर्शन और संस्कृति को विश्व के समक्ष रखा और भारतीय परंपराओं की विशेषताओं को विश्व पटल पर उजागर करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। स्वामी जी की जयंती पर आयोजित सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा की संस्थाओं के विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों की ओर से आम नागरिकों की उपस्थिति भी सराहनीय है। तन मन और वाणी से की गई सूर्य उपासना सूर्य नमस्कार है। सूर्य देवता हमें विटामिन डी सहित गतिशील जीवन के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। हमारे प्रदेश में शिक्षक बंधु योग का प्रशिक्षण भी प्राप्त करते हैं। इसके लिए प्रशिक्षण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। देश के अन्य स्थानों पर जाकर भी हमारे शिक्षक योग का प्रशिक्षण लेते हैं। आज हमारे सामने जो चुनौतियां हैं उन्हें देखते हुए और विद्यार्थियों के करियर के चुनाव के लिए मन और शरीर की दृष्टि से सशक्त होना आवश्यक हो गया है। स्वामी विवेकानंद जी ने मन और शरीर की मजबूती के साथ वैचारिक रूप से सशक्त होने पर जोर दिया था। सूर्य नमस्कार स्वामी जी के स्वप्न को साकार करने का माध्यम बना है। युवाओं को जीवन में कुछ हासिल करना है तो कठोर परिश्रम आवश्यक है। स्वामी जी खेल और प्राणायाम को विद्यालय के पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा बनाने पर बल देते हैं। साथ ही धर्म, अध्यात्म और संगीत के ज्ञान से भी विद्वत करता हूं कि वे योग को अपनाएं और स्वस्थ शरीर एवं मन के साथ राष्ट्र की सेवा में बेहतर योगदान दें। आपकी भागीदारी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सभी को पुनः शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल। अब हम शुरू करने जा रहे हैं सूर्य नमस्कार और प्राणायाम का प्रदेश स्तरीय। मन ही मन उगते हुए सूर्य का ध्यान करें। सूर्य की लालिमा पूरे व्यक्तित्व को प्लावित कर रही है ऐसा अनुभव करें। एक बार धीरे से श्वास को भरे, हाथों और पैरों के पंजे जमीन पर लगे हुए, घुटने, छाती और ठुड्डी, 8 अंग, 2 पैर, 2 घुटने, 2 हाथ, छाती और ठुड्डी, अष्टांग नमस्कार, 7, 7, आगे की ओर श्वास भरते हुए भुजंगासन की स्थिति में पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचे, 8, पुनः पर्वतासन, नितंबों को ऊपर की ओर उठाइए, एड़ियों को जमीन पर लगाने का प्रयास, नाभि की ओर ध्यान, 9, अश्व संचालनासन की स्थिति पुनः, अपने बाएं पैर को अब हमने आगे लिया है, 10, दाहिने पैर को भी आगे लीजिए, पादहस्तासन, सिर को घुटने की ओर ले जाने का प्रयास, 11, हस्तोत्तानासन, 12, प्रार्थना की मुद्रा, 1 चक्र समाप्त हुआ, हाथों को नीचे ढीला छोड़ दीजिए, कंधों को ढीला छोड़ दीजिए, ध्यान दीजिए,
द्वितीय चक्र का अभ्यास करते हैं। एक नमस्कार मुद्रा, श्वास सामान्य, एकाग्रता का अनुभव, विनम्रता व धैर्य का विकास होता है इस आसन से। दो हस्त उत्तानासन, हाथों को फैलाइए, ऊपर की ओर उठाइए, फिर पीछे झुकिए, संतुलन को बनाए रखिए, आकाश की ओर देखें, श्वास भरते हुए ये प्रक्रिया होती है। पेट के अंदर के अवयवों का व्यायाम होता है, पाचन क्रिया में लाभदायक, लंबाई बढ़ाने में भी। तीन, धीरे धीरे आगे झुकिए, श्वास को छोड़ते हुए पादहस्तासन की स्थिति में, हथेलियों को पैरों के पंजों के पास धरते सिर को घुटने की ओर ले चले, रीढ़ को लचीला बनाता है, आगे की ओर झुकने के कारण सिर में रक्त का प्रवाह बढ़ता है, आंखों की रोशनी को बढ़ाने में प्रयोग होता है। चार, अश्व संचालनासन, बाएं पैर को अधिकतम पीछे की ओर ले जाए,